तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सेटलमेंट बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में। तो सेटलमेंट जो किया जाता है, उस समय क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो एक तो पेंशन डिसाइड होती है, 50% ऑफ एवरेज एमोल्यूमेंट और 50% ऑफ लास्ट पेड ऑन विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉई, जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो माना जाएगा उसके पेंशन के लिए। कमिटेशन ऑफ 40% ऑफ बेसिक पेंशन जो बनेगी उसका 40% को कमिट कर सकता है, और जो अमाउंट बनेगा उसका उसको फिक्सेशन किया जाता है। उसका ये फार्मूला है 40% ऑफ बेसिक पेंशन इंटू 12 इंटू 8.194। ये जो है 60 की सुपर एनुएशन की एज के बाद में जब रिटायर होता है व्यक्ति, तब का ये फार्मूला है। अगर मान लो वो जल्दी VRS देता है तो ये फिगर, ये जो है फिगर ये है, ये चेंज हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग उसका कमिटेशन ऑफ पेंशन बनेगी। रेसिडुअल पेंशन, पेंशन माइनस कमिटेड पेंशन जो होती है उसको बोला जाता है रेसिडुअल पेंशन। रिटायरमेंट ग्रेजुटी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी का कैलकुलेशन किया जाता है पे प्लस DA, जो मतलब एमोल्यूमेंट रहेगा, इनटू क्वालिफाइंग सर्विस बाय अपन 2। जितनी क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी उसका अपन 2 कर लिया जाएगा। बट लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस को जो एक लिमिट दी गई है कि 33 ईयर से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 लाख नहीं है, यहाँ पर 20 लाख हो चुका है अभी, तो 20 लाख जो है रिटायरमेंट ग्रेजुटी हो जाएगा। सॉरी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी 10 लाख रहेगा, डेथ ग्रेजुटी 20 लाख हो जाएगा। तो ये 10 लाख इट इज़ करेक्ट। डेथ ग्रेजुटी इन केस ऑफ डेथ वाइल इन सर्विस, जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, तो पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग ईयर, क्वालिफाइंग सर्विस अगर उसमें अब डेथ हुई है तो उसका जरूरी नहीं कि उसको उसकी सर्विस ज़्यादा हो गई हो, हो सकता है 1-2 साल ही हुई हो उस कंडीशन में उसको डेथ हो गई, तो उस समय उसका जो है डेथ ग्रेजुटी निकालेंगे तो काफ़ी कम आएगा। तो उसको एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन का एक फार्मूला बनाया गया है कि अगर 1 साल से कम की सर्विस है तो उसको 2 टाइम्स ऑफ बेसिक उसको जो है DCRG दिया जाएगा, अगर 1 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है तो उसको 6 टाइम दिया जाएगा, और 5 साल से ज़्यादा और 20 साल से कम है तो 12 टाइम्स दिया जाएगा, और 20 ईयर से अगर ज़्यादा सर्विस होती है तो जैसा ये फार्मूला था उसी हिसाब से हाफ ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस मैक्सिमम इनटू 33 ईयर तक ही उसको काउंट की जाएगी सर्विस को। तो ये था DCRG डेथ ग्रेजुटी, और इसमें जो है फिगर 20 लाख ही मैक्सिमम दिया जाता है, 20 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम GIS जो होता है ना, द अमाउंट टू बी पोर्शन ऑफ द सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू द फंड, जितना क्रेडिट किया गया है फंड में उसका सब्सक्रिप्शन जमा हुआ है उतना, और इंटरेस्ट देयर ऑन द बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल इशूड बाय द गवर्नमेंट रेलवे बोर्ड एवरी ईयर। हर साल जो है रेलवे बोर्ड एक टेबल इशू करता है जिसमें उसका फिगर दिया रहता है, इंटरेस्ट जो लगेगा वो इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया रहेगा, उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा। इनकेशमेंट ऑफ लीव, तो ये जो है बेसिक प्लस DA इंटू LAP जितनी है उसकी अवेलेबल है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 30 है, 30 से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। अगर 30 से कम है तो उसमें रिमेनिंग जितनी रहेगी उतनी हाफ LAP मिला ली जाती है, लेकिन हाफ HLAP का जो कैलकुलेशन रहेगा वो हाफ के हिसाब से किया जाएगा। मतलब अगर 250 LAP बची है उसकी तो 250 LAP मिल जाएगा, प्लस 50 जो है HLAP जो काउंट किया जाएगा, लेकिन 50 HLAP का 50% जो हाफ ही मिलता है वो हाफ ही अमाउंट उसको मिलेगा। प्रोविडेंट फंड, तो जो भी अमाउंट रहेगा वो उसमें इंटरेस्ट जो मिला वो। फैमिली पेंशन इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पेंशनर, पेंशनर की अगर डेथ, मान लो एम्प्लॉय रिटायर हो गया पेंशनर था, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस समय जो पेंशन मिलती है उसको बोला जाता है फैमिली पेंशन, जो डिपेंडेंट को मिलेगी। तो फैमिली पेंशन जो होती है 50% ऑफ लास्ट राउंड अप टू 7 ईयर्स आर 67। अगर मान लो 63 की एज में उसकी डेथ होती है, ठीक है, तो उसको 67 की एज तक ही, मतलब ये 50% ऑफ लास्ट डाउन मिलेगा, उसके बाद में जो है 30% हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट टू ये 35 की जगह है, अभी 9000 हो गया है जब से बेसिक बढ़ा, 9000 प्लस DA एडमिशनल मिनिमम जो है पेंशन हो गई है 9000 हो गई, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ट्रांसफ़र ग्रांट विदाउट अवेलिंग VPU, वो पेंशन जो हुई है वो हो गई है 9000
बेसिक पेंशन, लेकिन अगर ये जो 30% है फैमिली पेंशन है तो उसका 30% ही हो जाएगा। तो इट इज़ आई थिंक ये सही है फिर। विदाउट अवेलिंग VPU 100%, अगर अपनी VPU अवेल नहीं किया तो 100%, और VPU अवेल किया तो 80%, और ये VPU पीस्ट विदाउट कैरिंग कार 75%। किट पास मिलता है 2 वैगन विथ गुड्स ट्रेन एंड 1 मोटर वैगन, 4 व्हीलर और 1 मोटर यान पार्सल, 1 8 व्हीलर, अगर सामान ले जाने के लिए फैसिलिटी लेता है तो उस कंडीशन में ये है। और पोस्ट रिटायरमेंट कंप्ली पासेज जो मिलते हैं, 2 सेट फॉर गजेटेड, 2 सेट फॉर ग्रुप C स्टाफ एंड 1 सेट फॉर ग्रुप D स्टाफ विथ रेलवे सर्विस ऑफ 20 ईयर्स एंड आर मोर, 20 साल से अगर ज़्यादा सर्विस है उसकी। तो मेडिकल फैसिलिटी, एडमिशन फॉर सेल्फ, स्पाउस, विडो मदर, डिपेंडेंट चाइल्ड फॉर इन आउटडोर एंड इनडोर ट्रीटमेंट, REL HS कार्ड बन जाता है, REL HS 1997 के नाम से जाना जाता है। क्वार्टर्स की क्या कंडीशन है कि रिटेंशन फॉर 4 मंथ एंड नॉर्मल रेंट, अगर मान लो एम्प्लॉय रिटायर हो गया और 4 महीने तक अगर वो क्वार्टर को रखता है। तो नॉर्मल रेंट से एंड फर्दर 4 मंथ द के सिकनेस या एजुकेशनल अकाउंट पे अगर वो रखता है तो उसको स्पेशल लाइसेंस फी का डबल नॉर्मल रेट से डबल रेट पे उससे चार्ज लिया जाएगा। परमानेंट ट्रांसफ़र, एम्प्लॉय का परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया कहीं पर, ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के लिए उसको वो क्वार्टर नॉर्मल रेंट पे ले सकता है। ऑन पेमेंट ऑफ डबल द असेस्ड रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, डबल रेट पे जो है 6 मंथ के लिए, या फिर मोर ऑन द ग्राउंड ऑफ सिकनेस एंटिल द कंप्लीशन ऑफ करेंट एकेडमिक सेशन के लिए वो 6 महीने का जो पीरियड रहेगा उसमें वो नॉर्मल रेट पर रख सकता है। विच इंक्लूड लास्ट पेपर ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन प्लस 15 डेज, तो 15 एग्जाम, लास्ट जिस दिन इसका एग्ज़ाम हुआ था उसके 15 दिन के पीरियड के भीतर वो नॉर्मल रेट पर रख सकता है। टेम्पररी ट्रांसफ़र, एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो गया टेम्प्रेरी 4 महीने के लिए कहीं पर, तो फुल पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ नॉर्मल पे उसको रखा जाएगा, लेकिन नॉट मोर देन 8 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं रहेगा। रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो अगर होता है तो 6 मंथ ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट, 6 महीने के लिए नॉर्मल पेमेंट पे रख सकते हैं। रेजिग्नेशन, रिमूवल और डिसमिसल 1 मंथ ओनली ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेट, एक ही महीना उसको नॉर्मल रेट पे रख सकते हैं डिसमिसल रिमूवल। उसमें डेथ अगर होती है एम्प्लॉय की तो 24 मंथ ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट पे, 24 मंथ 12 महीने, इफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय एंड हिज डिपेंडेंट्स ओन अ हाउस एट अ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अगर मान लो उसी प्लेस पे उसका हाउस है, अगर ओन हाउस है तो उसको 12 महीने हुआ, अदरवाइज वो 24 नॉर्मल रेट पे रेंट पे रह सकता है। मिसिंग अगर एम्प्लॉय है तो द फैमिली ऑफ मिसिंग एम्प्लॉय रेलवे एम्प्लॉय में भी परमिटेड टू रिटेन द क्वार्टर फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए, एंड पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग FIR, और फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर नॉर्मल रेंट ऑन द सर्टिफिकेट बाय द पुलिस अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी का जो सर्टिफिकेट लगाया गया, द एम्प्लॉयज इज नॉट ट्रेसिबल। लीव इंक्लूडिंग EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव, नॉट मोर देन 129 डेज ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द एम्प्लॉय इज लाइकली टू बी पोस्टेड बैक टू द ओल्ड स्टेशन, बैक टू द ओल्ड स्टेशन आफ्टर लीव। लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड पे, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, फुल पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट, फुल पीरियड ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 180 डेज, जो लीव प्रिपेरेटरी कटे हैं उसके लिए ही रहेगा। डेप्यूटेशन टू अनदर मिनिस्ट्री, 2 मंथ ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट, डेप्यूटेशन PSU एंड स्टेबलाइज फॉर मोर देन 5 ईयर,
न्यूली फॉर्म पी एस यू 2 month फॉर नॉर्मल रेंट चार्जेबल फ्रॉम द डेट ऑफ एम्प्लॉय जॉइन पब्लिक सेक्टर यूनिट, और 2 month ऑन नॉर्मल रेंट ऑन रिक्वेस्ट बाई एम्प्लॉय द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड विथ बोर्ड अप्रूवल फॉर टाइम टू टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पी एस यू ऑन पेमेंट ऑफ पी यू सी एन अमाउंट इक्वल टू द एच आर एस एडमिसिबल टू द एम्प्लॉय प्लस नॉर्मल रेंट प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड बाय टाइम टू टाइम। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी कुछ नई चीज़ों को लेके हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसीलिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।